हे दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं नाइट कैंपिंग के लिए। अरे यार, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा होगी भैया। अरे मजा तो आएगा। और गाइस, हमने ये अपना नया ट्रक भी लिया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ये खास फॉरेस्ट के लिए बना होता है, ऑफ रोड के लिए। क्यों भैया? ओए मुन्ना, सही कहा, लेकिन ये रोड बहुत ही खतरनाक है, आराम से चले मुन्ना। ए भैया, वैसे यार नाइट कैंपिंग गाइस आज हम करने वाले, वो भी हम करेंगे एकदम टॉप पे, जहाँ से हमें लॉस सैंटोस का काफी बढ़िया व्यू मिल सके भैया। ओए सही कह रहा है, यही रोड है मुन्ना, आराम से चलियो। अरे अरे यार, ये रास्ता तो कुछ ज्यादा ही टफ है। ओए मुन्ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ गाड़ी को आराम से चलियो, देख रहा है ना कितने खतरनाक मोड़ है। अरे भैया, यहाँ तो बहुत सारे खरगोश हैं, हट जा खरगोश। ओए ये वाली चढ़ाई तो कुछ ज्यादा ही टफ है। अरे भैया टेंशन, मतलब अपना नया ट्रक तो काफी मस्त चल रहा है यार। ओए सही का मुन्ना, आज तो हम पहुंच करेंगे टॉप पे। अरे भैया, पहले वाला अगर अपना वाला ट्रक होता ना, पक्का भैया खाई में अब तक हम गिर जाते। ओए सही कह रहा, पाप रहे हो, कितनी तगड़ी खाई यहाँ पे मुन्ना। अरे संभल के चला। अरे योगी भैया, क्या बात है, मजे आ रहे आज तो। अरे यार गाइस, यार बहुत ही सही लग रहा है। ए, आज हम पहुंच के रहेंगे। अरे ये कौन है? ए भैया ये कौन है? रुक जाओ बेटा, आगे मत जाओ। अरे ये कौन है यार? ओए ये कौन आ गया? अरे यार बाप रे बाप, भैया चेंज है क्या तुम्हारे पास? अरे मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरी बात मानो। अरे क्या करूँ मैं, अरे एक्सीडेंट हो गया है। अरे तो जाने इलाज करवा, मेरे पास क्या करने आ रहा है, तेरा एक्सीडेंट हुआ है तो? अबे मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत दिन पहले दुर्घटना हो गई है, एक एरोप्लेन यहाँ पे क्रैश हो गया है। अरे एरोप्लेन क्रैश हो गया? ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे एयरपोर्ट है क्या? अरे एयरपोर्ट नहीं है, गधा कहीं का, तू पागल है क्या एक नंबर का? अरे मुझे पागल बोलता बुढ़े पिटेगा क्या? अरे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एयरप्लेन गलती से क्रैश हो गया और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। अरे किसकी आत्मा भटक रही है? मुझे लगता है अभी तेरी भी आत्मा भटकेगी यहाँ पे थोड़ी देर पहले। ऐसा मारूंगा एक फटका, यहाँ फुट जलेगा, हट जाए यहाँ से सामने से। ओए मुन्ना क्या हो गया? अरे भैया ये डरा रहा है हम लोगों को, बोल रहा कि सामने एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें उसकी आत्मा भूत बन चुकी है, यही ना? अरे हाँ, तुम काफी समझदार हो, समझ गए, तो अपनी मौत को दावत क्यों दे रहे हो, क्यों जा रहे हो आगे? ए मेरे को डर नहीं लगता, समझ गया भूत से। मुझे पता है तेरा गांव ये है ना? अबे मेरा गांव तो ये है, लेकिन रात में हम गांव वाले भी बाहर नहीं निकलते और उस ऊंची पहाड़ी पे तो जाते नहीं कभी भी, क्योंकि हमारे कई गाँव वाले लोग वहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे वो उनके अंदर घुस जाता और प्लेन बन के उड़ता भी है, कभी काल हमने देखा है हवा में उड़ता हो प्लेन। अरे यार भैया, लगता है हमें जानबूझ के डरा के वापस भेजना चाहता है। ओए मुन्ना कर, इसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दे। अरे नहीं यार भैया, रुको यार, क्या करें अभी? अरे बेटा मेरी बात मानो, घर लौट जाओ अपने, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो। अरे यार ये तो पूरा प्लान खराब कर रहा है यार। सिंचन क्या करे? अरे यार भैया चलो यार, भूत वूत कुछ नहीं होते। अरे यार सही कहा यार, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, हटो यार मेरे सामने। अरे बेटा मेरी बात मान लो, मत जाओ मत जाओ बेटा, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अरे ठीक है ठीक है। ए दोस्तों फाइनली यार, उस बुड्ढे ने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। ओए मुन्ना मेरा भी, उसने टाइम वेस्ट करवा दिया हमारा। ए भैया ये क्या है? ओए मुन्ना ये तो लकड़ी का बना ब्रिज है। अरे इसमें से आवाज कैसी आ रही है चार पार करके? अरे भैया थोड़ी स्लो चलानी पड़ेगी, नहीं पता चले ब्रिज ही टूट गया तो सही में हम लोग ही भूत बन जाएंगे यहाँ पे। ओए नहीं, ओए मुझे नहीं भूत बनना है। अरे चलो गाइस यार, यहाँ पे बहुत आराम से चलेंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्रिज है तो। अरे ये रोगी भैया पहुँचने वाले है। अरे यार पहुँचने वाले, चलो देखते हैं। ए दोस्तों वैसे यहाँ से क्या ही व्यू मिलने वाला है, आप लोग सोचोगे मजे आने वाला है। शाम के टाइम में अपना लॉस सैंटोस कैसे दिखता है, ये देखो भैया क्या ही नजारा यार। ओए मुन्ना एक नंबर, ओए यहाँ से लेक भी कितना कूल दिख रहा है, ओए मजे आ गया। अरे लेकिन अभी टॉप पे नहीं है, मैं टॉप पे जाना है। अरे हाँ ठीक है, टॉप पे जाना यार, हम थोड़ा पीछे ही अभी तो। ओके गाइस, हमें इस वाली हिल पे आ जाना था, हम कभी भी इस हिल पे अभी तक आए नहीं है। और यहाँ पे छोटे मोटे खरगोश भाग रहे हैं, ये क्या भैया है? ओए मुन्ना ये तो वही वाला प्लेन है जो कि बुड्ढा बोल रहा था। ए भैया हाँ ये तो वही प्लेन है, लेकिन हमें क्या करना है भैया, वो तो क्रैश हो चुका है यार। हाँ चलो गाइस यार, अबे हमें, ए दोस्तों यहाँ से व्यू चेक करना है, क्या ही मस्त व्यू लग रहा है, देख रहे हो ना यार, जिंदगी तो यही है मस्त जगह पे जाने का और घूमने का, वाह मजे आ गया यार। एक नंबर नजारा भैया, एक नंबर। ओए एक नंबर कर रहा है, टेंट वगैरह कौन लगाएगा?
अरे यार भैया कैंप वगैरह लगाना है फटाफट से गाइस, यार यहाँ से क्या ही मजा आ रहा है। ए चलो यार फटाफट से हम लोग टेंट वगैरह अपना लगाते और आज हम रात लोग यहाँ पे रात बिताने वाले, सुबह हम घर पे चलेंगे। फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे टेंट वगैरह अपना कैंप लगा दिया और हमने फायर कैंप भी लगा दिया है। ओ ऐसा ही कहा, हे भैया एक काम करते हैं, चलो यार उस एयरप्लेन को देखते हैं आखिरकार वो क्रैश हुआ है। ए मुझे तो लगता है वो बुड्ढा जानबूझ के मैं भाग रहा था यहाँ से, क्योंकि यार टूरिस्ट लोग जब यहाँ पे आते हैं तो गंद मचा देते हैं, जैसे कि कूड़ा कबाड़ा फेंक के चले आते हैं, शायद इस वजह से वो हम लोगों के यहाँ से भगाना चाहता था। ओए लेकिन हमें यहाँ पे कूड़ा कबाड़ नहीं करना मुन्ना। अरे भैया हम सीधा जो भी कचरा होगा सब डस्टबिन में भर के लेके चलेंगे अपनी गाड़ी में, ठीक है ना। अरे अभी भी ऐसे ही कहा, नेचर को हमेशा साफ रखना चाहिए। अरे यार ठीक है। ए भैया वैसे देखते हैं आखिरकार इस प्लेन में क्या फंडा हो रखा है। ओए मुन्ना, ए दोस्तों ये वो प्लेन क्रैश हुआ है, ये तो एक सिंगल प्लेन वाला क्रैश है। नहीं यार इसमें बहुत सारे लोग बैठ भी सकते हैं, पीछे प्राइवेट जेट लग रहा है, नहीं जेट बोला हूँ, प्राइवेट प्लेन है। अरे ये क्या भैया, ये देखो। ओए क्या हो गया? अरे भैया ये बंदा तो यहीं पड़ा हुआ है भाई, ये तो स्कल बन चुका है भैया, स्केलेटन। ओए मुन्ना इसकी तो वाट लग गई पूरे के पूरे। अरे भैया यहाँ पे तो ये तो पूरा स्केलेटन हो गया है, क्या करे भैया। ओए मुन्ना चल यहाँ से, चलते हैं अपने कैंप पे। अरे हाँ भैया हमें क्यों पढ़ना है इन सब चीजों में, चलो आ जाओ भैया। ओए अरे यार क्या कर रहे भैया, हाँ इधर से आओ यार, क्या पागलपंती चलती रहती है। अरे यार होगी भैया, अरे यार सिंचन जल्दी आ, अभी हम मेरे को यार बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, फटाफट से हम नूडल्स बनाते हैं और नूडल्स खा के फिर सो जाएंगे। आज तो यहाँ पे रात बीतने वाली है, ये मजे आ जाएगा भैया। ओए सही कह रहा है, एक नंबर। हाँ भैया एक नंबर गाइस, यार बहुत ही ज्यादा मस्त है। सिंचन चलो। ओए बाप रे बाप, ये क्या बहुत तेज की सूसू आ रही है। अरे ये कौन आवाज कर रहा है वैसे, अरे मेरी नींद क्यों नहीं लग रही ढंग से, ये कौन था आखिरकार इतनी तेज सूसू आ गई। ओए सूसू करना पड़ेगा, अरे नहीं यहाँ से तो गांव वाला दिख रहा है मुझे। ओए नहीं इधर नहीं, इधर करूँ क्या सूसू, नहीं पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाऊंगा। वैसे ही आवाज किस चीज की आ रही, जैसा लग रहा पंखा चल रहा कहीं पे। अरे पंखा कहाँ चलने लग गया, उससे पहले सूसू कर लेता हूँ, हल्का होने का मजा ही कुछ और होता है। ओए लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही, अरे बाप रे ये क्या, ये कैसा ब्लास्ट हुआ वहां पे। ओए मुझे देखना ही पड़ेगा। ओए यहाँ पे ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप ये कैसे हो सकता है, ये प्लेन तो पहले से डिस्ट्रॉय था, इसका मतलब ये प्लेन अभी चल रहा था और उसके बाद डिस्ट्रॉय भी हो गया। अरे लेकिन ये तो पहले से डिस्ट्रॉय था, फिर कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। ओए इसके अंदर कौन बैठा है, ये प्लेन तो पहले से डिस्ट्रॉय था, ओए दोबारा कैसे हो गया डिस्ट्रॉय, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओए ये क्या फंडा है और इसको कौन चला रहा था, अरे बाप रे ये क्या, ये हड्डी चला रहा था क्या इसको, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, लगता है ये सही का भूत है क्या। ओए ओए भागना पड़ेगा मुझे, मुन्ना बचा मुझे मुन्ना। हे भैया क्या हुआ यार, नींद पूरी खराब करे मेरी। ओए मुन्ना जल्दी उठ, मैंने एक चीज देखी। हे भैया क्या देखा, ओए मैंने हेलीकॉप्टर, अरे प्लेन वाला भूत देख लिया। हे भैया यार तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। अरे यार मैं भी उठ गया, क्या करना है। अरे भैया क्या हुआ, ओए मुन्ना मैंने प्लेन वाला भूत देखा, वो प्लेन अपने अभी चालू हो चुका था, उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया और उसके अंदर जो बैठा है ना मुन्ना, देख के तू भी हैरान होगा, वो उसके अंदर बैठा हुआ है। भैया स्केलेटन की बात कर रहे हो क्या, ओए सही कहो, स्केलेटन उसके अंदर बैठा हुआ है। भैया कुछ भी यार, लगता है तुमने बहुत बुरा सपना देखा। ओए मैंने कोई सपना नहीं देखा, मुझे पूरा याद है। अरे यार गाइस ये तो भैया भी एकदम ही डरपोक कहीं के डर गए, मुझे लगता है भैया के दिमाग पे असर कर गया और भैया ने ऐसे ही अपने इमेजिनेशन करके बुरा सपना देख लिया है। ओए मेरी बात मान जल्दी, प्लेन देख वहाँ पे ब्लास्ट हो, स्केलेटन प्लेन के अंदर ही बैठा है। अरे भैया वो तो अभी पता चल जाएगा वो कहाँ पे बैठा है। हे भैया ये प्लेन तो पहले से ब्लास्ट हुआ था और कहाँ इसमें आग जल रही है भैया, ना इसमें से धुआं निकल रहा है। ओए अभी तो आग जल रही थी। अरे भैया ना इसमें से धुआं निकल रहा है, ना ही कुछ जलने की स्मेल आ रही भैया कुछ भी। हे बेवकूफ बनाते हो क्या। ओए नहीं मुन्ना मैं सही कह रहा हूँ। अरे भैया मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, और तुमने क्या कहा वो पायलट इसके अंदर बैठा है। ये जरा चेक कर लेते, और वो कौन है भैया, ये तो वहीं बेचारा सो रहा है। ओए ये तो कुछ देर पहले भी इसके अंदर बैठा था। ओए मुन्ना चल घर चल।
अरे यार भैया क्या कर रहे हो यार, आधी रात के टाइम पे यार तुमने यार पूरी नींद खराब कर दी। अब घर चलने की बात कर रहे हो? ओए मुन्ना मैं बोल रहा हूँ ना घर चल। अरे यार होगी भैया चलो ना, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अरे यार ये क्या तुम दोनों को डर लगने लग गया? अभी क्या करे यार। ओए मुन्ना मैं बोल रहा हूँ ना घर चल यार, मुझे सही में डर लग रहा है। अरे यार ये क्या यार, इन दोनों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अच्छा ठीक है चलो यार घर ही चलते हैं। ओके गाइस यार हमारा कैंप का पूरा प्लान चौपट हो चुका है। पता नहीं भैया और सिंचन को कुछ ज्यादा डर लग रहा है। अरे ये रुक भैया चलो ना, कहीं भूत सही में ना जाए, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अरे यार सिंचन कुछ देर पहले तुम बोले थे भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है कैंप वगैरह सारा समेट लो और इस आग को भी बुझा देना भैया। ए फटाफट से सारा काम करो फिर निकलते हैं हम यहाँ से। हे दोस्तों फाइनली हमने सारे कैंप को हटा दिया और यहाँ पे हमने आग को भी बुझा दिया ताकि जंगल में आग ना लग जाए। पूरी तरीके से आग बुझ चुकी है और हम लोग अब जा रहे आधी रात में घर, क्योंकि यहाँ पे भैया और सिंचन को लग गया है डर, क्योंकि भैया का कहना कि उन्होंने प्लेन वाला भूत देख लिया। अरे बाप रे बाप कौन सा भूत देख लिया प्लेन वाला। चलो ठीक है ये पता नहीं क्या है यार, रात में निकलना पड़ेगा। अब तो हमें गाड़ी थोड़ा संभल के चलानी पड़ेगी यार, रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ा शाम था तो रास्ता देख भी रहा था। ओए मुन्ना मुझे नहीं पता, तू चल बस घर चल, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे यार भैया ठीक है, हो सकता है यार पता नहीं तेज हवा का झोंका है तभी शायद भैया डर गए होंगे। ए फटाफट सब यहाँ से हम निकलते हैं। अरे यार होगी भैया चलो ना, मुझे भी डर लग रहा है। अरे ठीक है यार तुम दोनों को डर लगने लग गया। ए दोस्तों भैया ने तो भूत वाला प्लेन देख लिया। ओए नहीं प्लेन वाला भूत। अरे यार ठीक है चलो गाइस यार यहाँ से हमें संभल के जाना है, नहीं तो हम लोग ही कहीं ना गिर जाए। ओए मुन्ना चल जल्दी। अरे भैया चल रहा हूँ यार। ए दोस्तों फाइनली अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर। यार मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी नींद भी पूरी नहीं, आधी रात में मुझे भैया ने उठा जो दिया। अरे रे बाप रे ये क्या है? ओए मुन्ना ये क्या है? अरे भैया ये तो मुझे लग रहा है ये तो वही बुड्ढा है जो कि हमें मना कर रहा था जाने के लिए। ए दोस्तों यार ये बुड्ढे को किसने मार दिया? लगता है कोई टूरिस्ट बंदा यहाँ पर आएगा और ये उसको भी ऐसी फेक कहानी पढ़ा रहा है, उसने गुस्से में इसकी पिटाई दे दी लगता है। ये तो मर चुका है बेचारा। ए दोस्तों चलो यार चलते हैं। नहीं यार मुझे लग रहा कुछ तो कुछ गड़बड़ है अब यहाँ पे। ओके गाइस मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ओए मुन्ना जल्दी चल, नहीं तो हम भी उसकी तरह कहीं मरे ना पड़े यहाँ पे। अरे नहीं नहीं भैया कुछ भी कहते हो, चलो गाइस फटाफट से अब निकलते हैं यहाँ से। अरे गाड़ी की स्पीड कम रख, यहाँ पे खाई है सामने। अरे हाँ भैया देख ली मैंने, खाई है सामने। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी कम मैंने कर रखी है और टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो गाइस बहुत ही आराम से हम निकलेंगे यहाँ पे। और ये क्या है? ओए मुन्ना वो दे रहा है तेंदुआ। अरे भैया वो तेंदुआ नहीं, वो लगता है शेर है। ए गाइस वो शेर भाग गया। चलो यहाँ पे हम सेफली निकलेंगे और फाइनली गाइस हम अपने घर पे आ चुके और अभी भी यार आधी रात हो रही है। ओके यार क्या करें, मुझे तो जाके बस बेड पे सो जाना है यार, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। ओए मेरी तो नींद ही उड़ गई। अरे यार भैया ऐसी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी? अरे यार कि भैया मुझे भी बहुत तेज की नींद आ रही है, मुझे भी सोना है। अरे यार यार मुझे भी सोना है, आज तो पूरा कैंपिंग का प्लान ही खराब हो गया। अभी क्या करें, चलो गाइस फटाफट से बेड पे सोने चलते हैं। ये भैया ने तो पूरा ही प्लान खराब कर दिया। भैया ओए मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूँ? ये मुन्ना और सिंचन सो भी गए यार आते ही, और मुझे तो वो ड्रावना से सपना बार बार आ रहा है, मैं नहीं सोऊंगा आज तो। ओए मुन्ना जग रहा है? अरे यार ये दोनों सो गए और ये क्या लाइट भी चली गई, टॉर्च किधर है? अरे बाप रे बाप यहाँ पे लाइट चली गई है, ये लाइट कैसे चली गई? और ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे सिंचन वोगी के ऊपर सो गया है। अरे यार ये दोनों भी सो गए, चलो ठीक है इनको सोने देता हूँ, नहीं तो मुन्ना गुस्सा करेगा अगर मैंने उसको दोबारा से उठा दिया तो। यार अभी तक सुबह नहीं हुई, मैं सोचूं सुबह हो गई होगी, अभी मैं क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आ रही है। ओए चल यार कुछ नहीं तो सूसू कर लेता, फिर से सूसू आ गया तेज की, उतनी टाइम में सूसू ही नहीं कर पाया। ओ इतना ड्रामना था वो सीन कि मैं क्या बोलूं। चलो यहाँ पे सूसू करता हूँ फटाफट से। हाँ ठीक है, कौन बाथरूम में जाएगा, यहीं सही ओपन में ही, और वैसे भी लाइट नहीं तो कौन देखेगा। ओए ये क्या, ये फिर से आवाज कैसे आने लग गई, ये आवाज़ कैसे आ रही है? ओए दोस्तों आपको भी आवाज़ आ रही है क्या, मुझे ही खाली आ रही है क्या? अरे ये क्या चक्कर है आखिरकार, ये आवाज़ कैसे आने लग गई? ये प्लेन कहीं यहाँ तो नहीं आ गया? नहीं प्लेन कैसे यहाँ पे आ जाएगा, अरे भूत को थोड़ी हमारा एड्रेस पता होगा। हाँ
चलो देखता हूँ आखिरकार कौन है, लगता कोई चोर है क्या? अबे चोर है तो मैं बैंड बजा दूंगा, जल्दी बताओ कौन है वहाँ पे। ओए लगता है यहाँ पे लाल लाइट चल रही है। ओए क्या चीज है यहाँ पे? ओए अरे बाप रे, ये तो वही प्लेन है। ये प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है? मुन्ना को लग रहा था मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन मुन्ना मेरी बातों को मानेगा। ये देखो ये प्लेन यहाँ पे आ गया, लेकिन प्लेन को कोई भी नहीं चला रहा, प्लेन चल कैसे रहा है? ओए कौन है इसके अंदर? बाहर निकल। ओए फौजी से टकराएगा, फौजी इसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये लगता है मुझे ये भूतिया प्लेन वही है। ऐसा करता इसकी फोटो खींच लेता हूँ, अगर मैंने इसकी फोटो खींच ली तो मुन्ना मेरी बातों को मानेगा। अरे क्या हो गया सर, क्या कर रहे हो? बाहर निकल कर चोर हो क्या? अरे आए, मैं चोर नहीं, मैं इस घर का मालिक हूँ। तुझे इतना बड़ा प्लेन नहीं दिख रहा क्या? अरे सर पागल हो गए क्या? कौन सा प्लेन कहाँ है? ओए तेरे को इतना बड़ा प्लेन नजर नहीं आ रहा क्या? अबे पागल कहीं गई, ये भूतिया प्लेन है, देख जल्दी। अरे जाओ सो जाओ, रात हो गई है, पागल कहीं गए, इतनी पीते क्यों? ओए मैंने पी नहीं है। ये क्या, ये प्लेन मुझे खाली क्यों दिख रहा है? और ये वेदर कैसे चेंज होने लग गया? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, इतना डेंजर वेदर क्यों हो रहा है? ओए ये क्या गड़बड़ी हो रही है आखिरकार? ओए ओए प्लेन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये प्लेन मुझे क्यों दिख रहा है? ये हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ। ओए ये सपना ही है, हकीकत नहीं है, पक्का सपना। अरे बाप रे ये क्या? ए दोस्तों, फाइनली अपनी नींद खुल चुकी। और यार काफी देर हो गई यार, आज आज यार दोपहर बज चुके 12। ए सिंचन उठो, 12 बज गए। अरे बाप रे, अरे यार रुक भैया 12 बज गए, आज तुम बहुत ज्यादा लेट सो के उठ रहे। अरे हाँ लेट सो कर उठ रहे, लेकिन आज भैया ने मैं उठाया नहीं, ये भैया कहाँ गए? अरे लगता है वो ऊपर होंगे और टीवी देख रहे होंगे। अरे हाँ यार मुझे लगता है भैया टीवी ही देख रहे होंगे। गाइस यार लेकिन भैया तो रोज हमें जल्दी उठाते हैं, आज भैया ने हमें उठाया नहीं। और सिंचन भी खर्राटे लगा रहा था क्योंकि यार रात में हमारी नींद खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लेट नाइट सोए। और यार आज का मौसम कितना ही मस्त हो रहा है, क्यों सिंचन फुल कड़क धूप निकल रखी है। अरे यार ये भैया सही कहा, बहुत ज़्यादा धूप है। अरे हाँ धूप तो काफ़ी ज़्यादा है। हे चलो यार गाइस अभी चलते हैं। भैया किधर हो? ए भैया, ए यार लगता है भैया टीवी देख रहे हैं फुल मगन होके। ओके गाइस चलो चलते हैं। ए वैसे भैया को आज मैं चिढ़ाने वाला, उन्होंने भूतिया प्लान देखा था ना, प्लेन देखा था। ए क्यों सिंच, अरे अरे की भैया सही कहा, लगता है उन्होंने बहुत ही बुरा सपना देख लिया था और उसके बाद तो वो डर गए थे। अरे डरे तो भैया भी तो, और साथ में सिंचन तुम भी तो डर गए थे। हाँ तुम दोनों ही डर गए थे, डरपोक कहीं के। ए सिंचन डरपोक और जैक भैया डरपोक। ए ये भैया गए कहाँ? लगता है ये बाहर गए गाड़ी लेके क्या? ए दोस्तों बाहर चेक करना पड़ेगा। ओके गाड़ी तो यही है। अरे भैया कहाँ गए? अरे ये क्या, भैया भैया बाहर क्यों सो रहे हो? अरे भैया उठो यार। अरे यार होगी भैया, इनके ऊपर तो बहुत सारे निशान बने हैं। अरे यार ये भैया क्या हुआ? भैया उठ जाओ। अरे ये क्या, भैया तो बेहोश पड़े हैं और इनकी ये हालत किसने की? अरे यार होगी भैया, ये क्या हुआ चेक भैया के साथ में? अरे भैया क्या हुआ? ऐसा करते हैं सिंचन, फटाफट से भैया को गाड़ी के अंदर डालते हैं और भैया को हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे योगी भैया जल्दी चलो जल्दी चलो, और जैक भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे टेंशन मत लो यार सिंचन, मैं भैया के साथ में हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जल्दी से गाय समझा रहे हॉस्पिटल में भैया को एडमिट कराने। और भैया के साथ पता नहीं क्या हुआ, ये भैया बाहर बेहोश पड़े हुए थे। ओके गाइस अब तो डॉक्टर ही बताएगा कि इनके साथ आखिरकार हुआ क्या। अरे यार होगी भैया, इनके ऊपर तो निशान कुछ ज्यादा ही बन रखे हैं। अरे हाँ यार चलो गाइस फटाफट से हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, पता नहीं भैया को क्या हो गया। अरे यार रात तक तो ठीक थे ये भैया, लगता है रात से भैया एबनॉर्मल हरकत कर रहे थे। अरे यार होगी भैया, कहीं वो भूतिया प्लेन का हाथ तो नहीं है इसमें? अरे नहीं नहीं, अरे ये क्या, मैं बताऊं इनको तो ये कोमा में जा चुके हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, डॉक्टर कुछ बताओ यार। अरे ये कोमा में जा चुके हैं, अगर इनको शाम तक होश नहीं आया तो ये 2-3 दिन तक कोमा में रह सकते हैं। अरे ऐसी बात कर रहे हो डॉक्टर, कुछ करो ना। अरे मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे पता है, और इनको बहुत ही तगड़ी चोट लगी है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ हाँ, कोई बड़ी चीज से ऐसे इनके टकरा गए, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा पंखे के निशान है। अरे पंखे के निशान? अरे हाँ, वैसे शाम तक वेट कर लो, अगर इनको होश आ गया तुम इनको ले आ सकते हो, नहीं आया तो फिर बात करते हैं आगे। अरे यार ये क्या डॉक्टर, ए कुछ तो करो ना। अरे जितना हो सकता था हमने कर लिया, बस तुम अब बिल भर दो। अरे यार बिल तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।
अरे यार सिंचन अब क्या करें? अरे अरे की भैया लगता है भूतिया प्लेन का काम है। अरे यार सिंचन पागल हो गए क्या? भूतिया प्लेन को क्या पता हमारा एड्रेस हो कैसे आ जाएगा कुछ भी। लगता है भैया रात को सूसू करने गए होंगे बाहर की साइड में, और गाइस उनका किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया होगा शायद, ऐसा ही होगा। और गाइस यहाँ पे शाम हो चुकी है, डॉक्टर क्या हो भैया होश में? अरे नहीं ये होश में नहीं आ पाया, अभी हमें कम से कम 3-4 दिन तक वेट करना पड़ेगा जब ये कोमा से बाहर आ पाएंगे। हे यार ये क्या? एक काम करो तुम लोग अब घर पे चले जाओ, जैसे इनको होश आएगा मैं कॉल करके तुम्हें बुला लूंगा, या तो सुबह आके मिल लेना। ठीक है यार अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंचन, चलो घर चलते, वैसे बहुत तेज की भूख लग रही है। और भैया को तो डॉक्टर के पास छोड़ देते, डॉक्टर ख्याल रखेगा, वैसे भी भैया कोमा में जा चुके हैं तो उनको शायद काफी टाइम लग जाएगा होश आने में। अरे योगी भैया सही कहा, चलो मुझे भी भूख लग गई है और बहुत तेज की नींद भी आ रही है। हाँ जल्दी जाओ, वैसे भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है सोने की। अरे यार इतनी जगह ही जगह मुझे दिख रही है फिर भी मना कर रहा है वो, ए बिना सोने के लिए हॉस्पिटल में आप। चलो यार गाइस हम अपने घर पे जा रहे हैं सोने के लिए, और गाइस शाम हो चुकी है। ए अरे यार होगी भैया चलो चलो जल्दी घर पे चलेंगे, और यार मुझे लगता है वो भूतिया प्लेन का ही काम था। अरे यार सिंचन तुम बार बार उस भूत का नाम मत लो यार, भूत वूत कुछ भी नहीं होता यार कुछ भी। अरे यार होगी भैया मेरी बात मानो। अरे यार सिंचन यार तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो यार। वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो गए होंगे सूसू करने रात को, और कोई गाड़ी मुझे लगता टक्कर मार के चली गई होगी। अरे यार होगी भैया चलो ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। अरे यहाँ तो बात भी माननी चाहिए सिंचन। खाली पीली भूत का नाम ले रहे हो। हाँ चलो यार गाइस फाइनली हम अपने घर पे चलते हैं, और शाम होने वाली है फिर हम सोएंगे। ये अरे ये ऐसा करेंगे सुबह ही हम चलेंगे जैक भैया से मिलने के लिए। अरे हाँ यार वैसे 3-4 दिन तक बाद भैया ही होश में आएंगे, फिर भी हम सुबह चलेंगे भैया से मिलने के लिए। अरे यार सही कहा, और मैं उनके लिए तो फूल भी ले जाऊंगा गिफ्ट में। हाँ ठीक है यार गिफ्ट देने के लिए ठीक है फूल ले जाना। मैं फ्रूट्स वगैरह ले लूँगा या जूस वगैरह ले लूँगा भैया को देने के लिए। अरे यार होगी भैया सही कहा, आज तो मैं रात में बासी खाना बनाना पड़ेगा। अरे यार सुबह का शायद से खाना तो नहीं होगा यार, चलो कोई नहीं कुछ बना लेते हैं फटाफट से, फिर बना बना के खा के अपन सो जाएंगे सिंचन, फिर कल चलेंगे भैया से मिलने के लिए। अरे यार होगी भैया बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो चलो सोते हैं। अरे यार रुक तो जाओ यार, यहाँ पे गाड़ी पार कर दूँ मैं। इधर आ गए हम लोग, और यहाँ से चलो घर पे चलते फले। आज का दिन तो बहुत ही बुरा रहा सिंचन। अरे यार होगी भैया सही कहा, अरे ये क्या होगी भैया तो सो भी गए, अब मैं क्या करूँ। अरे यार मुझे भी बहुत तेज की सूसू आ गया, चलो सूसू करने चलता हूँ। अरे यार वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे जैक भैया का आ रहा है यार। अरे ये क्या लगता है कोई एम्बुलेंस आ गई क्या? अरे लगता है जैक भैया आ गए। अरे जैक भैया लगता है जैक भैया का एम्बुलेंस लेकर आ गई। अरे जैक भैया किधर वे आ गया? अरे जैक भैया ये तो एम्बुलेंस नहीं लग रही है, ये कैसी एम्बुलेंस है जिसमें एक ही लाइट चल रही है? अरे ये एम्बुलेंस नहीं है ये क्या है? अरे ये तो बहुत ही बड़ा प्लेन लग रहा है मुझे, और इसमें पंखे भी लगे। अरे ये प्लेन यहाँ पे क्या कर रहे? अरे ये प्लेन कहाँ से आ गया? लगता है इसी भूतिया प्लेन ने जैक भैया को भी मारा था। अरे नहीं अब ये तो मुझे भी मार देगा। अरे होगी भैया बचा मुझे, होगी भैया बचा लो, ये प्लेन तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है जैसे। अरे मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा? अरे नहीं ए दोस्तों यार आज तो मेरी सुबह यहाँ खुल गई, क्योंकि आज मुझे भैया से भी मिलने जाना है। ओके गाइस यहाँ पे सिंचन अब कहाँ का चले गया यार? अरे यार सिंचन किधर हो? अरे यार गाइस अब ये सिंचन कहाँ गया? ए यार ये सिंचन ऊपर है क्या? लगता है शायद सुबह सिंचन ऊपर नाश्ता वगैरह कर रहा होगा। ए सिंचन ऊपर हो क्या? ओके गाइस सिंचन यहाँ पे भी नहीं है। अरे यार अभी सिंचन कहाँ गया? शायद से सिंचन भैया से मिलने के लिए जल्दी निकल गया। हाँ हो सकता यार। हे चलो मैं भी देखता हूँ यार। ए सिंचन लेकिन गाड़ी तो लेके नहीं गया यार, गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। अरे बाप रे सिंचन, अरे सिंचन मेरे दोस्त में क्या हो गया? अरे ये क्या गाइस यार सिंचन भी यहाँ पे बेहोश पड़ा है, आखिरकार ये क्या फंडा चल रहा है? अरे सिंचन के साथ ये किसने किया? यार अब मुझे सिंचन को भी फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना है। ए सिंचन को भी एडमिट करना पड़ेगा।
ए फाइनली गाइस हमने सिंचन को एडमिट कर दिया। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में चल क्या रहा है? सेम उसी तरीके से इसका भी एक्सीडेंट हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, सेम उसी तरीके से कैसे हो सकता है? अरे हाँ, इसके ऊपर भी पंखे के निशान बने हुए हैं, जैसे लग रहा है इनको पंखे से पिटाई पड़ी है पहले। अरे यार ये क्या हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी गाड़ी के अंदर पंखे तो नहीं लगे होते? अरे ये किसी गाड़ी का तो काम नहीं, इतना तगड़ा एक्सीडेंट कोई छोटी मोटी गाड़ी तो नहीं कर सकती है। अरे ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं कर सकती यार, गाइस पंखे कौन सी गाड़ी में लगे होते हैं यार? यार गाड़ी से अगर सामने से एक्सीडेंट होगा तो पंखा तो यार अंदर लगा होता है गाड़ी के, भी छोटा सा, सामने क्या हो सकता है जिसमें पंखे लगे? अरे बेवकूफ कहीं की, एक प्लेन में पंखे लगे होते हैं। अरे हाँ गाइस याद आ गया, एक प्लेन में पंखे लगे होते हैं जो कि सामने घूमते हैं, अगर सामने से कोई प्लेन एक्सीडेंट करे तो पंखे की चोट लग सकती है। इसका मतलब कि भैया सिंचन ये दोनों के दोनों सही बोल रहे थे क्या? ओ नो गाइस, अब मुझे पता करने के लिए खुद ही आज रात में जगना पड़ेगा, अगर वो प्लेन या रात में आई तो मैं समझ जाऊंगा भैया और सिंचन बिल्कुल सही बोल रहे थे। और आज मैं उस भूतिया प्लेन को नहीं छोड़ने वाला, उसने भैया और सिंचन की हालत के आज तो वो नहीं बचेगा। फाइनली गाइस मुझे अपनी AK-47 निकालनी पड़ेगी, असॉल्ट राइफल, फिर उसके बाद अगर वो प्लेन आ गया ना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ए दोस्तों आज तो मैं सोने ही नहीं वाला, पूरी रात में जगे रहूंगा और पहरेदारी करूंगा, जैसे मुझे कोई भी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है मैं देखूंगा कौन है और उसकी वाट लगा दूंगा। मुझे लगता है वाकई में भूतिया प्लेन का ये पूरा काम है। ये भी हो सकता है कोई चोर वगैरह हो। ओके गाइस यार मैं अपनी फटाफट से गन निकाल के लेकर आ गया यहाँ पे। और गाइस आधी रात हो चुकी है घूमते घूमते, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं किसी चीज़ की फिर से आवाज़ आ रही है यार। ए दोस्तों यार एक बार बाहर देख लूँ क्या? ये बाहर देखता हूँ यार, यहाँ पे तो किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत ही धीरे आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। अरे यार किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई इंजन वगैरह चल रहा हो। यहाँ पे ये किस चीज़ की रोशनी है? अरे यार ये तो अपनी गाड़ी की रोशनी है। ओके गाइस गाड़ी को यहाँ पे खड़ी है, चलो ठीक है। लेकिन ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है यार, बहुत ही तेज चल रहा है, जैसे कोई इंजन वगैरह चल रहा हो। अरे यार इतनी डरावनी आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही है? इधर कोई है क्या? आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जो भी है बाहर निकल जा, सरेंडर कर दे तो कम गोली मारूंगा तेरे को। यार यहाँ पे भी कोई नहीं, लेकिन गाइस ये आवाज़ आते जा रही है, ये कोई दिख तो रहा नहीं, और आवाज़ कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। ये क्या गाइस, ये ऊपर हमारी छत पे क्या रखा है? अरे यार मुझे चढ़ के देखना पड़ेगा। अरे यार ये आवाज़ तो और तेज होते जा रही है, ऊपर आखिरकार ऐसा क्या है? अंधेरे में देख भी नहीं रहा। ओ नो गाइस ये क्या, यहाँ पे तो ये प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यार ये तो प्लेन छत पे हमारे और इसके अंदर तो कोई भी नहीं बैठा, और इंजन अपने आप कैसे चल सकता है? आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये ले, आज भूतिया प्लेन मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। लेकिन गाइस ये क्या हुआ, इसको तो गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। अरे ये क्या, ये तो ब्लास्ट ही नहीं हो रहा। अरे बाप रे बाप, लगता है मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा। ए भागो अपनी जान बचा के। गाइस यार ये प्लेन तो मेरे पीछे लगने वाला है, क्योंकि यार इसके ऊपर गोलियाँ काम ही नहीं करी, मुझे लगा मैं इसको गोली से ब्लास्ट कर दूंगा और ये तो मेरे पीछे आ गया, जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा इससे पहले ये मुझे भी मार दे। अरे अबे बोलूँ किसको, कौन बचाने आएगा, भैया भी बेड पे है और सिंचन भी बेड पे है। गाइस अब मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खतरा उठा लिया यहाँ पे, ये प्लेन तो मेरे पीछे लग गया, जल्दी से इस प्लेन को मुझे कैसे भी करके चकमा देना पड़ेगा। इससे पहले ये प्लेन मुझे भी मारे। गाइस मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे जल्दी से इसको चकमा देके निकलना है। अच्छा वही नई गाड़ी हमारी थी जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, और गाइस लेकिन अभी भी हमारे पीछे लगा पड़ा है। अरे बार बार ये पीछे से ठोकर मारे आ रहा है। गाड़ी यार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, लगता है क्या क्या, अरे फिर से आ गया। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ से आ जा रहा है? अरे यार ये क्या कर रहा है, ऐसे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। गाइस यार मुझे अपनी ज़्यादा स्पीड और भी करनी पड़ेगी गाड़ी की, ताकि ये मुझे पकड़ ना पाए। लगता है गया क्या। गया लगता है गाइस, यार ये चले गया। अरे ये क्या, ये तो फिर से आ गया। अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जल्दी भागना पड़ेगा। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, पहली गाइस मैं सिटी में आ गया लेकिन ये मेरे बीवी पीछे लगा पड़ा है। अरे मैं इसको कैसे चकमा दूँ, मुझे किसी बिल्डिंग में घुसना चाहिए।
ऐसा करता मुझे कोई बिल्डिंग ढूंढनी है, फटाफट से मैं इस गाड़ी को पार कर गया क्योंकि ये बिल्डिंग में तो नहीं घुस पाएगा इतना बड़ा प्लेन। ए दोस्तों मुझे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं छुप पाऊँ, मैं नहीं तो मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग पाऊंगा यार। अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, मतलब छुपना पड़ेगा कहीं पे इस प्लेन को चकमा देने के लिए। अरे यार ये तो फिर से आ गया पीछे। ओके मुझे लगता है यहाँ पे आसपास कोई बिल्डिंग तो होनी चाहिए ओपन यार। ए दोस्त क्या करूँ। ओके गाइस यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख गई, फटाफट से ऐसा करता हूँ इस प्लेन को चकमा देने के लिए इस बिल्डिंग में भाग जाता हूँ। ये भागो। फाइनली गाइस यार इस बिल्डिंग में आके जान में जान आई अब मेरे। ये फाइनली सेफ फील कर रहा हूँ यार गाइस, ये बाल बाल बचा मैं यार, नहीं तो यार आज तो मेरा गेम ओवर हो कर देता उसको तो प्लेन को, इस गन का कोई असर ही नहीं हुआ। फाइनली गाइस मैं यहीं पे सो गया था और यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मुझे लग रहा है वो प्लेन अब चले गया होगा और उसको फाइनली मैंने चकमा दे दिया और मेरी जान बच गई। ओके गाइस यार ये ऑफिस चालू होने वाला है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब मुझे लगता है बाबा से मिलना पड़ेगा गाइस, हमारे जादुई बाबा से मुझे मिलना पड़ेगा, वही मुझे कोई सॉल्यूशन देंगे और इस भूतिया प्लेन को मारने का तरीका बताएंगे। चलो गाइस अपन मिलेंगे अपने बाबा से जो कि शायद हमें कुछ बताएंगे। ए गाड़ी आगे से हट जाओ, ए हटा यहाँ से। ए गाइस मुझे फटाफट से जाना है और मिलना पड़ेगा बाबा से। फाइनली बाबा मुझे बुलाओ, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। ए दोस्तों यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी सिचुएशन, उसको मारूं तो मैं मारूं कैसे। ए हट जाओ आगे से। ए फाइनली गाइस मैं बाबा के पास में आ चुका है और यहाँ पे बाबा अपने मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं यार। ए बाबा मैं आ गया। बोलो बच्चा क्या हुआ। अरे बाबा तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता होता है, वैसे पता है ना मेरे साथ क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, भैया और सिंचन हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे हाँ मैं सब जानता हूँ। ये तो बताओ मैं उस भूतिया प्लेन को मारूं कैसे आखिरकार। अरे तुम भूतिया प्लेन को कभी नहीं मार सकते हो। अरे तो फिर कैसे मारूं, अरे मतलब उससे कैसे पीछा छुड़ाओ, वैसे तो हमें मार देगा। अरे तुम्हें अगर उसको मतलब उससे पीछा छुड़ाना तो एक ही सॉल्यूशन है, उसको तुम्हें जमीन में गाड़ना पड़ेगा। अरे गाड़ना पड़ेगा। अरे हाँ गाड़ना पड़ेगा। अरे गाइस यार जमीन में गाड़ना पड़ेगा, वैसे कैसे गाड़ूंगा, वो तो उड़ता रहता हवा में। अरे नहीं उसको नहीं, उसकी बॉडी जहाँ तुमने पहली बार देखी थी ना, उसकी बॉडी माउंटेन पे, और तुमने उसको माउंटेन में ही गाड़ दिया ना जमीन के अंदर उसकी बॉडी और उसके प्लेन को, तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर कैद हो जाएगा और कभी नहीं निकल पाएगा, और इस तरीके से तुम्हारी जान बच जाएगी। अरे ठीक है गाइस यार यहाँ पे तो बाबा ने बता दिया कि इस तरीके से हम उस प्लेन से बच सकते हैं, भूतिया प्लेन से। चलो गाइस इतने टाइम अभी डे हो रहा है, इससे पहले रात हो वो दोबारा से भूतिया प्लेन हमारे पीछे लगे, हमें आज ही ये काम करना पड़ेगा। फटाफट से गाइस हम चलते हैं और उस प्लेन और उस स्केलेटन को जो कि यार भूतिया था, उन दोनों को फटाफट से जमीन के अंदर गाड़ेंगे। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं उसी हिल पे दोबारा से, यही यार खतरनाक हिल थी, भूतिया हिल बोल सकते हैं यार। एक काश उस दिन मैंने बुड्ढे की बात मान ली होती तो गाइस हम लोग सेफली बच गए होते और हम आराम से अपने घर पे भी चले गए होते, लेकिन गाइस मैंने बुड्ढे की बात नहीं मानी और आज ये हमें देखना पड़ रहा है यार, क्या करूँ मैं अभी। हे दोस्तों आज तो मैं उस भूतिया प्लेन का खात्मा कर दूंगा और उसके प्लेन और उसको भी जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, जिससे उसकी भूतिया प्लेन दोबारा हमारे पीछे ना आ सके और वो हमेशा के लिए जमीन में कैद हो जाएगा। ए उसको नहीं छोड़ूंगा। हे फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ओके फटाफट से अब भूतिया प्लेन को मैं गाड़ने वाला हूँ। ए चलो यार यहाँ पे। ओके गाइस फटाफट से इस प्लेन को मैं गाड़ देता हूँ जमीन के अंदर और साथ में उस स्केलेटन को भी, जिसके बाद ये लोग मतलब ये भूतिया प्लेन हमारे पीछे कभी नहीं आएगा। एक काम करते यार इसको फटाफट से जमीन के अंदर गाड़ते हैं। और भूतिया प्लेन तूने बहुत मारा है ना। ए दोस्तों नहीं तो मैं इस चीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि पहले से डिस्ट्रॉय पड़े। फटाफट से काम करता हो, यहाँ पे मेरे पास एक खोदने वाली चीज़ है, मैं यहाँ पे गड्ढा बनाता हूँ और इस गड्ढे के अंदर इन दोनों को उसके अंदर डाल देता हूँ और उसके बाद गाइस मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ए चलो काम करते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने गड्ढा खोद के प्लेन को अंदर डाल दिया और थोड़ा सा ये प्लेन का पार्ट बाहर है इसे भी जल्दी मैं खोद के अंदर कर देता हूँ और ये भी गाइस जैसी अंदर जाएगा वैसी भूतिया प्लेन की कहानी खत्म और ये भूतिया प्लेन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इसके बाद हमें इससे भूतिया प्लेन से छुटकारा मिल जाएगा।
चलो गाइस फटाफट से, और गाइस हमने उसको पूरी तरीके से अंदर गाड़ दिया, उसके बाद हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। और फाइनली यहाँ पे भूतिया प्लेन का चैप्टर होता है क्लोज। यार सही में, और ये क्या, किसी का कॉल आ रहा है क्या मेरे पास में? ए क्या हुआ यार? ओए मुंडा, मैं होश में आ चुका हूँ, साथ में सिंचन भी। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्या बात कर रहे हो? ओए मुन्ना सही कह रहा हूँ। अरे गाइस जैसे हमने भूतिया प्लेन को जमीन में गाड़ा, भैया और सिंचन भी होश में आ गए। इसका मतलब कि ये भूतिया प्लेन का ही असर था जिसकी वजह से भैया और सिंचन होश से मतलब बेहोश पड़े हुए थे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने उसको तो ठिकाने लगा दिया, और हमने यार सिंचन और जैक भैया को बचा ही लिया।